इस देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। इस संविधान दिवस पे इस देश के किसान को संविधान की न्यूनतम मर्यादा तोड़ के अपने देश की राजधानी में अपने अधिकार की आवाज़ व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब बॉर्डर पे और हरियाणा में तो बिल्कुल बेइंतहा संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। किसानों को ज़बरदस्ती धरपकड़ के रखा जा रहा है। ये जैसे अंग्रेज़ों का राज था, मानो इस देश के अंदर संविधान कोई है ही नहीं, वैसा राज वापस करने की कोशिश हो रही है। All of us who have come all the way from Karnataka, Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh, different districts belonging to different organizations, are immediately stopped once we reach the UP border. So the UP police, including the SP of Agra, is clear about the orders from the upper authorities. And he says that the higher authorities' orders I have to obey. I cannot do anything, and I cannot say anything till tomorrow evening. And here the people have come from such long distance, and we have women and young people with us. And this is not a safe place. And this is the highway where the traffic is jammed, not because of us, because of the police who have put up the barricades. आज तराई के क्षेत्र से बड़ी संख्या में यहाँ से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लगातार अधिकारियों ने, पुलिस ने हमें लगातार रोका हुआ है और हम पर दबाव बनाने का काम कर रही है। और पिछली बैरिकेडिंग पे भी हमें रोका गया, लेकिन किसान आगे बढ़ते रहे। लेकिन भारी फोर्स के साथ हमें यहाँ पे फोर्स ने रोक रखा है, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे हम NH-24 पर काफी पिछले 6 घंटे से किसान यहाँ पर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर 2 दिन से किसान मजदूरों के लीडर की गिरफ्तारी ये कर रही है खट्टर सरकार। पूरी तरह से खट्टर सरकार हिल चुकी है। जो ये जन सैलाब आ रहा है किसान मजदूरों का, ये सरकार को खतरा नजर आ रहा है कि जो सरकार ये जनता विरोधी नीतियां लागू कर रही है, किसान मजदूर के खिलाफ लागू कर रही है, जो तरीके ये अपना रहे हैं, तो ये तो अंग्रेजों वाले तरीके अपना रहे हैं। वही जिस तरह की तशद्दद, जिस तरह के जुल्म किसान मजदूरों के खिलाफ अंग्रेजों के राज में होते थे, अब ये काले अंग्रेज भी इसी तरह से इनके अधिकारों को रोकने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये इनकलाब किसान मजदूर का जरूर आएगा, ये आगे बढ़ेंगे। बैरियर तोड़ दिया, तीसरा बैरियर, यही कह रहे थे ना कि मोदी जी खट्टर वाला बैरियर तोड़ दिया, तीसरा है ये, यही कह रहे थे ना ये बड़ा बैरियर टूटेगा नहीं किसानों से, तोड़ दिया, देख ले आखिर। और अब दिल्ली आ रहे हैं और अब पंजाब से भी लाखों किसान चल चुका है। 50,000 किसान ये है आज तेरी सीएम सिटी में 50,000 किसान है, तोड़ दिया बैरियर और दिल्ली आ रहे हैं। अभी भी समय है शाम तक का, कल सुबह तक का। अभी भी तीनों काले कानून वापस ले ले, उसमें एक लाइन ऐड कर दे कि MSP गारंटी का कानून बना दे। अभी भी समय है, नहीं तो ये किसान या तो गोली मार ले भी इनका, या तो गोली मार ले, नहीं तो और कोई तरीके से ये रुक ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले। अब ये रुकने वाला नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है किसानों के। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान समाज समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्यूज़ क्लिक आज किसान मार्च दिल्ली की जो है उसको कवर करने यहाँ पे हरियाणा में पहुँचा है। और अभी हमारे साथ कुछ यहाँ पे किसान हैं जो प्रोटेस्ट के लिए चल रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम बाड़ा शहर से हैं, बाड़ा के पास तिलबेड़ा गांव है। अच्छा, हाँ। कब से निकले हुए हैं वहाँ? हम कल से निकले हुए हैं। ठीक है, कल निकले थे हम 10 बजे, वहीं पीछे ही हमको बहुत रोका है। बड़े गाँव में से निकल के मौड़ा आए हैं, फिर उधर से पुलिस भी पकड़ के ले गई, फिर हमारे किसानों ने जाम लगाया। फिर किसान संयुक्त मोर्चा का ये कहना है कि जहाँ पे भी उनको रोका गया वहीं पे ही वो धरना लगा देंगे, बैठ जाएंगे। क्या तैयारियां किसानों की, कब तक बैठने की तैयारी? फिर 1 महीने का राशन ले रहे हैं जी, और बिस्तरे ले रहे हैं, अपने कपड़े ले रहे हैं। जब तक ये यहाँ कोई इंसाफ नहीं होता ना, तब तक दिल्ली में बैठेंगे और सड़क के ऊपर लिट जाएंगे। हाँ, सरकार कहेगी ना जाओ, वहीं डटे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 1-1 महीने की पीछे नौकर पहिए लगा दिए हैं, राशन राशन भी ले रहे हैं, सब कुछ। गुरुद्वारे जितने भी हैं सब हमने राशन पहुँचा दिया है, वो लंगर में खाना आ रहा है। तो आपने देखा किस तरह किसान एक महीने के लिए बैठने के लिए तैयारी के साथ चल रहा है। आपको ये बता दें, हम अभी रैली के साथ ही चल रहे थे। एक ट्रक के साथ दो ट्रॉलियां हैं, उन ट्रॉलियों में लंगर का सामान है, किसानों का अनाज है, चावल है, जिसमें वो लेके चल रहे हैं। किसान मोर्चा का यही कहना है कि जहां पर भी पुलिस ने उनको रोका वहीं पे ही वो धरना दे देंगे। जो कर्मचारी काम करते हैं 10 गुना ज्यादा रोजगार हमारे देश के नौजवानों को मंडियों के अंदर मिलेगा, और अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो किसान के लिए सिर्फ MSP खत्म होने वाली नहीं है, मंडियों के अंदर जो हमाल काम करते हैं उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, मंडी समिति के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, किसान के लिए नहीं है। हम दूसरे जो हमारे मेहनत कश भाई हैं उनका रोजगार बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और इसलिए ये जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई देश की जनता के जनता की भूख को मिटाने के लिए भी है। हमारा मुख्य सवाल है जो 3 कृषि विरोधी काले कानून है, इससे किसान कंगाल बदहाल हो जाएगा। एक नारे में मैं इसको सूत्रबद्ध कर रहा हूँ। अनाज बेचने को भटकेंगे किसान, अडानी अंबानी होंगे धनवान, ये बात किसान जान जा गया है। किसान के जीवन और मरण का प्रश्न है। खेती जो है किसानों से छूट जाएगी। इसी एक 3/7 खत्म करके इन्होंने अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को लाखों टन अनाज को इकट्ठा करके सस्ते दाम पर और महंगे पे बेचने के लिए गरीब जनता को, इस देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबको मरने के लिए बाध्य करेंगे। 2, 3, 4 साल के बाद में जो काम भारत के अंग्रेजों ने नहीं किए, भारत में अंग्रेजों ने नहीं किया, जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के नाम पर भारत की किसानों की जमीन पूरी तरह से हथियाने की एक बड़ी भयानक साजिश है, जिसको किसान जान दे के किसी भी कीमत पर, भारत माता हमारी जमीन हमारी माँ है, हमारे मुनाफे का बिजनेस नहीं है, हमारी आजीविका है, हम जान देंगे, मरेंगे, लेकिन कतई जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी नहीं रखने देंगे। ये मोदी की तो जन विरोधी, किसान विरोधी, और मैं साफ कहूँ यहाँ का 60% किसान, 70% किसान हिंदू है, तो हिंदू विरोधी जो मोदी सरकार है, रावण के काम के खड़ा करके और पांडवों का विनाश कर रही है, कौरवों के पक्ष में खड़ी है। मैं तेरी बात कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस आंदोलन की शुभकामना करता हूं।